Here is the question. 1 molar solution of carboxylic acid in benzene shows the elevation of boiling point of 1.518 Kelvin. The degree of association for dimerization of the acid in benzene is आपको कैलकुलेट करना है और यहां पर Kb for benzene भी गिवन है कितना है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल. अब देखो बेटा ध्यान से समझो, यहां पर आपके पास डेल्टा Tb इज इक्वल टू क्या गिवन है, I into Kb into molality. आपका ये फार्मूला यूज होगा क्यों, क्योंकि आपके पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये क्वेश्चन है. नाउ यहां पर डेल्टा Tb क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होता है. तो यहां पर क्लियरली गिवन है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके पास गिवन है 1.518 केल्विन इज इक्वल टू आई आपको कैलकुलेट करना है इनटू केबी की वैल्यू है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल इनटू मोलिटी आपको कितनी गिवन है. मोलिटी यहां पर बोला है कि 1 मोलर सॉल्यूशन, कितना हो गया 1 मोलर, या फिर 1 मोल बोल दे या 1 मोलर बोल दो, ठीक है. नाउ अब इस आप जब सॉल्व करोगे तो देखो आई की वैल्यू कितनी आएगी 1.518 अपॉन 2.53, इसे सॉल्व करना ये आ जाएगा समथिंग 0.6. यहां पर आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.6. अब देखो ये क्या कौन सा केस है, ये एसोसिएशन का केस है. एसोसिएशन वांटा फैक्टर का यूज करो फार्मूला 1 upon 1 plus 1 upon n minus 1 into अल्फा, ठीक है. आई की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो 1 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर बोला है कि द डिग्री ऑफ एसोसिएशन फॉर डाइमराइजेशन, डाइमराइजेशन मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2 माइनस 1 इनटू अल्फा. सॉल्व कर लो 0.6, 1 को इधर भेज दो माइनस 1 तो माइनस का 0.4 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस 1 तो माइनस हाफ आ गया तो माइनस 0.5 इनटू अल्फा. यहां से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अल्फा कितना हो जाएगा 0.4 अपॉन 0.5 तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है. नाउ अब क्या होगा, ये तो क्या आया अल्फा की वैल्यू आई, आपको परसेंटेज के टर्म में निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 80%. तो हियर इज द योर आंसर एंड चेक कर लो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन.